खबर गाजीपुर से है, जहां रामलीला मैदान में स्थापित हनुमान प्रतिमा का अनावरण किया गया। कार्यक्रम के तहत गाजीपुर के MLC विशाल सिंह चंचल ने हनुमान मूर्ति का अनावरण किया। गाजीपुर के रामलीला मैदान लंका के गेट नंबर 3 पर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की गई। रामलीला कमेटी की ओर से ये मूर्ति स्थापित की गई है, जिसका अनावरण किया गया। इस मौके पर MLC विशाल सिंह चंचल ने कहा कि गाजीपुर रामलीला कमेटी लगातार बेहतर रामलीला का मंचन कर रही है। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म और देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए गाजीपुर से मोहम्मद साहिद की खास रिपोर्ट। रामलीला कमेटी के द्वारा आयोजित हनुमान मूर्ति अनावरण में आप आज क्या बताएं? देखिए, रामलीला कमेटी द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और विगत 500 से ज़्यादा सालों से यहाँ पे रामलीला हो रही है। मैं बच्चा भैया का, बीनू भैया का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस अवसर पे मुझे हनुमान जी की मूर्ति के अनावरण के अवसर पे मुझे बुलाया। और आज बड़ा शुभ दिन है और कमेटी बहुत अच्छा काम कर रही है, निरंतर रामलीला बेहतर हो रही है और नगर के लोगों के लिए ये बहुत अच्छा एक रहता है कि अपने परिवार के साथ आएँ, रामलीला देखें, मेले को देखें और हमारी पुरानी संस्कृति को समझें। सर, असल में जहाँ एक तरह से सनातन की बात की जा रही है, सनातन के कार्यक्रम में भी आप पहुँचे हुए हैं और सनातन को कोठारा घाट किया जा रहा है, देवता प्रतिमाओं को पत्थर देते जा रहे हैं और तमाम अभद्र टिप्पणियाँ भी की जा रही है माँ दुर्गा पे, गाजीपुर में भी है। नहीं, अगर ऐसा कुछ हो रहा है, कहीं हुआ है तो कठोर कार्रवाई सरकार द्वारा की जाएगी और किसी भी दोषी को हम नहीं बख्शेंगे। बाबा ने भी एक अपील भी की है, एक तरह से सख्त निर्देश दिया कि जो भी अभद्र टिप्पणी करेगा महापुरुषों के घर के पिता है। हमें किसी धर्म पे या किसी महापुरुष पे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। हम हिंदू धर्म के हैं, हमें अपनी पूजा अपनी पद्धति को समझना चाहिए, उसके अनुरूप उसका पालन करना चाहिए। किसी भी हिंदू हो मुस्लिम हो किसी को किसी धार्मिक उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए, यही पूज्य महाराज जी ने कहा है। और जो भी टिप्पणी करेगा उन्होंने ये भी कहा है कि उस पर कठोर कार्रवाई होगी।